आप जितना पढ़े उतना फोकस करके पढ़े, गेन होना चाहिए उतना, क्योंकि आज के टाइम में उनकी प्रगति में या उनकी विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो मोबाइल ही है। कैरियर बनाने को लेकर बच्चे अक्सर प्लस टू या ग्रेजुएशन के बाद दुविधा में रहते हैं। अगर इस दौरान आज के कंपटीशन के युग में उनको अच्छी डायरेक्शन मिल जाए जिससे बच्चे अपनी सफलता जल्द से जल्द हासिल कर सकें, तो इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। अपेक्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं दीपक कुमार जी, उनसे। तो बच्चों को प्लस टू या ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन के दौर में आज के कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन विषयों पर तैयारी करनी चाहिए? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज का कंपटीशन का युग है, तो अक्सर बच्चों को प्लस टू या बीए के बाद ये दुविधा रहती है कि वे किस दिशा में जाएं, किस तरह तैयारी करें, तो बच्चों को क्या सही गाइडलाइंस है जिससे बच्चे सफलता जल्द हासिल कर सकें? तो सबसे पहले ये है कि जब भी वो प्लस टू करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ आए, या तो किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी एक्सपर्ट से जिसको कैरियर की नॉलेज है, उससे राय लें कि करना क्या है। और अलग अलग एक्सपर्ट, मतलब अगर कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो कंपटीशन के अलग एक्सपर्ट होते हैं, अगर वो टीचिंग में ही कहीं जाना चाहते हैं तो उसके अलग से एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे राय लें और उसके बाद डिसाइड करें करना क्या है जी। और जो उन्होंने सोचा है पहले सोचने के लिए टाइम ले लें, और उसके बाद जो उन्होंने सोचा है उसी दिन से उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें। और सबसे पहले देखो, आज की जो डिमांड है, आज का कंपटीशन का युग है, तो कंपटीशन के इस युग में सबसे पहले ये है कि प्लस टू के बाद ही अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो तो प्लस टू में ही तैयारी करनी शुरू कर दें। एक प्लस टू के बाद होता है ग्रेजुएशन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी चाहिए, नहीं। जब आप अगर प्लस टू के बाद तैयारी करनी शुरू कर दोगे तो जब तक ग्रेजुएशन होगी तब तक आपके हाथ में जॉब होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तैयारी करनी प्लस टू से ही शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बच्चे कब किस पेपर की तैयारी करें। जो हमारे आसपास का माहौल है, ये बच्चे जो है ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी निकलेगी तभी तैयारी करेंगे हम, ऐसा नहीं होता जी। कम से कम मिनिमम एक साल पहले आपको कंपटीशन की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आप एक साल में, क्योंकि एक साल में दो या तीन बार मिनिमम आपका सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो, और अच्छी, कहने का मतलब कह सकते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में दे सकते हो। सर बच्चों को कोचिंग मतलब कितने दिन पहले लेनी शुरू कर देनी चाहिए इसके लिए, तैयारी के लिए, कि उनका पेपर क्लियर हो जाए आसानी से? कम से कम मिनिमम एक साल पहले। अगर एक साल पहले वो किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयारी करते हैं तो तभी वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब पेपर होगा उनका तो अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखो, स्टार्टिंग शुरू से होता है कि जैसे जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी को पढ़ें, और उसके बाद जैसे जैसे उनका सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनको अपने पढ़ने के घंटे भी बढ़ाने पड़ेंगे जी। और जब उनका सिलेबस हो जाएगा तो उसको मैनेज करना भी पड़ेगा। मतलब जब देखो, हमारे लगभग 8 या 9 सब्जेक्ट होते हैं, उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने नंबर ऑफ आवर्स या घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में हम अगर 2 घंटे भी चलेंगे तो ठीक है। दूसरी बात, घंटे से फर्क नहीं पड़ता, आप जितना पढ़े उतना फोकस करके पढ़े, गेन होना चाहिए उतना। अगर गेन नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में सारा दिन बैठे रहते हैं लेकिन गेन नहीं कर पाते, उसका कोई फायदा नहीं है जी। सर आज इंटरनेट का युग है, बच्चे भी ये सोचते हैं ज़्यादा कि इंटरनेट पे ही हम तैयारी करें, जैसे मोबाइल भी हर किसी के हाथ में है आजकल, तो बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं इंस्टीट्यूट की बजाय हम क्यों ना यहाँ से मोबाइल से ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में और मोबाइल में तैयारी में क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस? देखो क्या है कि अगर आप मान लो ऑनलाइन पढ़ना भी चाहते हो तो उसके लिए एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए आपका जी। क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्लास में डिसिप्लिन में पढ़ेंगे तो ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं पढ़ेंगे, सपोज करो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो आपका माइंड डाइवर्ट हुआ व्हाट्सएप की तरफ और आपका ध्यान बट गया, तो यहीं से हमारा काम जो है ख़राब हो जाता है इसमें। तो क्या है कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि हमारा फोकस होना चाहिए, और फोकस जो है बच्चों का नहीं हो पाता, इसलिए सबसे, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक तरीका है। इसलिए
आज के युग है, देखो डिजिटल युग है, लेकिन ये तरीका बच्चों को एक तरह गलत गाइडलाइन में लेके जा रहा है और इससे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे। तो तैयारी के लिए जो मोबाइल का यूज है वो कहाँ तक सही मानते हो आप बच्चों को? देखो मेरे हिसाब से मेरी राय थोड़ी अलग है इस मामले में। मैं मानता हूँ कि बच्चों के पास मोबाइल होना नहीं चाहिए जी, क्योंकि आज के टाइम में उनकी प्रगति में या उनकी विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो मोबाइल ही है। सर जैसे कोरोना काल भी आया है अभी बीच में, तो इस दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसका क्रेज थोड़ा बढ़ गया है, तो ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है? ऑनलाइन में देखो क्या है कि आप घर बैठे हो, आप लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो एक क्लास है, एक माहौल मिल रहा है आपको। आपको रोज 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे आना है, फिक्स है ये। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप 9 बजे लगाओ, 9:30 बजे लगाओ, 10 बजे लगाओ, कोई शेड्यूल नहीं है। और अगर आप शेड्यूल नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप प्रिपरेशन कर पाओगे और कामयाब हो पाओगे जी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो आज बड़ा भ्रमित युग कह सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चे मायूस भी हो जाते हैं सर, मायूस भी हो जाते हैं, एक दो एग्जाम उनका क्लियर नहीं होता। देखो सर क्या बात है कि आज का युग बड़ा भ्रमित युग है। भ्रमित युग का मतलब क्या है कि यूट्यूब पे हर छोटे से छोटा, मैं छोटा नहीं कहता, लेकिन क्या है कि जिनको कुछ भी नॉलेज भी नहीं है कुछ भी, वो भी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे देखो उनको तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक युवा को हम भ्रमित कर सकते हैं इससे, वो भ्रमित कर देते हैं। और अगर भ्रमित कर दिया गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात अगर कहें हम कि फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा है, बच्चों को यही दुविधा है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्या छोड़ना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इस कंपटीशन में जो है कामयाब हो पाओगे। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, जिन्होंने बताया कि बच्चों को अगर शुरू में ही सही गाइडलाइन और दिशा मिल जाए तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है।